भारतीय जनता पार्टी रामदयालु मंडल के अंतर्गत पटना में कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज, पार्टी के महामंत्री की बर्बरतापूर्ण हत्या के विरोध में एवं नीतीश सरकार के तानाशाह रवैये के खिलाफ रामदयालु मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। वहीं भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन करने का फैसला लिया गया और अमित कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह नीतीश सरकार द्वारा भाजपा नेताओं को लाठी चार्ज किया, इसका बदला आगामी विधानसभा चुनाव में चुन कर लिया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिला मीडिया प्रभारी राकेश पटेल, महामंत्री शैलेंद्र कुमार सिंह, पूर्व महामंत्री रंजन ओझा, जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सोनी सिंह, रामदयालु मंडल युवा महामंत्री धीरेन्द्र कुमार सिन्हा, मुकुल सिंह, जिला उपाध्यक्ष शांतनु शेखर, जिला महामंत्री वरुण झा, जिला मंत्री आशीष निकी, जिला मीडिया प्रभारी व अन्य लोग पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल रहे। पटना में महिलाओं को, विधायक को, नेता को, मंत्री को सब पर अशुभ छोड़ा, सब पर अत्याचार किया, लाठी चार्ज किया। हमने अपना बात रखने गया था लेकिन वो बात नहीं रखने दिया। उसके इतना हरामी कोई नहीं है, इतना बदमाश कोई नहीं। नीतीश कुमार एक नंबर का दोगला इंसान है। जिस महिला ने उसे जिताया वही महिला उसको जमीन पर लाएगी। ये सोनी सिंह जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा, लोग कह रहा है नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहा है। नीतीश कुमार अच्छा काम नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार अगर अच्छा काम करते तो आज यही होता, कभी नहीं होता। नीतीश कुमार के इतना पलटू और खराब तो कोई नेता नहीं। और जानवर वाला काम किया है पटना में, इसलिए पटना में वो जो काम किए हैं बहुत माने बेकार काम किए हैं, उनको गति छोड़ देना चाहिए। भाजपा कार्यकर्ता पर लाठी चार्ज किए हैं, कार्यकर्ता मर गया है, बहुत का माथा फूट गया है, गोड़ हाथ टूट गया है, उनको इस्तीफा देना चाहिए पार्टी से। काफी घटना है आज की, आज की घटना है। अब मेरा बिहार बदल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।